हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं डेपिक DP64 FM मॉड्यूलेटर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि FM मॉड्यूलेटर का यूज़ क्या होता है। बेसिकली FM मॉड्यूलेटर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करने का काम करता है और इस फ्रीक्वेंसी को हमारी कार का FM रिसीवर रिसीव करता है। तो ये है मेरी कार फोर्ड फिएस्टा का 6 CD चेंजर स्टीरियो। इस पर्टिकुलर स्टीरियो में CD इनपुट मैकेनिज्म बिगड़ गया है और इसमें USB और ऑक्सिलरी इनपुट का ऑप्शन भी नहीं है, इसीलिए मैंने डेपिक का ये FM मॉड्यूलेटर खरीदा हुआ है। इस FM मॉड्यूलेटर को आपको सिंपली इस पावर सॉकेट में डालना होता है और इस चीज़ के लिए आपकी कार में FM रेडियो होना ज़रूरी है। मैंने इस FM मॉड्यूलेटर में 108 MHz की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है। हमें वही फ्रीक्वेंसी कार के FM स्टीरियो में सेट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। अगर हम FM स्टीरियो की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। इस पर्टिकुलर FM मॉड्यूलेटर के साथ आपको कुछ इस तरह का रिमोट भी मिलता है। इसमें आपको कई सारे इनबिल्ट इक्विलाइजर भी मिल जाते हैं। इसमें आपको USB, ऑक्सिलरी, माइक्रो SD और SD कार्ड इनपुट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के FM मॉड्यूलेटर्स अवेलेबल है, लेकिन आज तक मुझे डेपिक के FM मॉड्यूलेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। कुछ FM मॉड्यूलेटर्स में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपकी कार का भी ऑक्सिलरी, USB या CD चेंजर काम नहीं कर रहा तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। डेपिक का FM मॉड्यूलेटर अभी Amazon या Flipkart पे अवेलेबल नहीं है, आप इसको eBay पर से परचेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर FM मॉड्यूलेटर की प्राइस है ₹600। दूसरे FM मॉड्यूलेटर्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।